नमस्कार, आप देख रहे हैं ई पेपर इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जमशेदपुर के ग्रामीण इलाका गालुडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गालुडी आचलिंग मैदान के पास लॉटरी खेलते हुए पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वह लॉटरी माफिया के रूप में जाना जाता था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके पास से 20,79,788 रुपए को जब्त किया। पुलिस के द्वारा लगातार अवैध कारोबारियों के विरुद्ध और अवैध काम में संलिप्त लोगों के विरुद्ध छापेमारी की जा रही है। लगातार सिटी एसपी के नेतृत्व में शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में हरेक वैसे कार्य अवैध कार्य में संलिप्त लोगों के विरुद्ध लगातार छापेमारी की जा रही है। उसी क्रम में जमशेदपुर पुलिस को आज कई थाना क्षेत्र में काफ़ी सफलता मिली है। जैसे गालुडी थाना क्षेत्र में एक बहुत बड़ा लॉटरी के संचालन का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से लगभग 20,89,788 रुपये बरामद हुए हैं। लगभग 1200 के आसपास लॉटरी टिकट बरामद हुए हैं। उनके पास से 2 नोटबुक बरामद हुआ है, जिसके अवलोकन से हम लोगों को ये पता चला है कि इनका मोडस ऑपरेंडी कैसे है, कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, कैसे इसका संचालन करते हैं और पुलिस के डर से ये लोग फिजिकल मोड से हट के कैसे डिजिटली मोबाइल और व्हाट्सएप के माध्यम से लोग, तो इसमें काफ़ी अहम इंटेलिजेंस हम लोगों को मिला है, जिससे हम लोग इस पर और तहकीकात करके जांच पड़ताल करके इस धंधा से जुड़े हुए एक से एक जो भी इसमें व्हाइट कॉलर लोग भी काफ़ी जुड़े हैं, जिनका नाम आया है उस नोटबुक में, हम लोग इसमें सभी लोगों को विधिसम्मत कार्रवाई करेंगे। ई पेपर इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।